करेंट ट्रांसफर्स की बात करोगे तो क्या है करेंट ट्रांसफर्स में, मैंने बताया फॉरेन रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स ऑफ द करेंट ईयर। अब ट्रेड अकाउंट बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये बताइए, जब हमारा इंपोर्ट तो ज्यादा है, वी आर नेट इंपोर्टर राइट, एक्सपोर्ट क्या है लेस है, तो हमारे साथ सीन क्या होगा, हम किस उसमें आएंगे, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट? डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट में आएंगे, ट्रेड में घाटा ही तो हो रहा है, डेफिसिट मतलब घाटा, सरप्लस मतलब फायदा या मुनाफा, तो हमारा एक्चुअल में भी क्या चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। देन इनविजिबल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए क्या है फॉर्मूला, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसीट्स माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इंक्लूड्स व्हाट, बिकॉज दिस इज फ्रॉम कोर इकोनॉमी, सो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। देन इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो डाउन हुआ है शार्पली इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2022 एंड 2023, $1.3 billion मॉडरेट ट्रेड डेफिसिट और रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट, दो पॉइंट्स हैं। जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, दैट्स अ गुड साइन। कैसे बढ़ा, टू सम एक्सटेंट यस, बट लार्जली इसकी वजह से नहीं बढ़ा, इंपोर्ट भी रिड्यूस हुआ क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल, और वी कैन ऐड ऑन पीएलआई स्कीम्स, इंसेंटिवाइज किया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जिसकी वजह से भी। थर्ड पार्ट पीएलआई आल्सो वीट, पीएलआई इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो डोमेस्टिक चीज़ों को प्रमोट करते हुए तो आपको उस पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा, पीएलआई इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। मान लो हमने वीट एक्सपोर्ट किया, अदर फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए, तो ये सब आगे हेल्पफुल होगा, ठीक है। देन क्वार्टर फोर सीएडी ड्रॉप टू 0.2% ऑफ जीडीपी, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। क्वार्टर फोर में सीएडी कितना पहुंच गया, 0.2%, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि क्वार्टर फोर में सीएडी ड्रॉप टू 0.2%, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए हमने जो इंपोर्ट किया वो $10 का था, एकदम सिंपल समझते, हमने जो एक्सपोर्ट किया वो $9.8 का था, फॉर्म में सीएडी ड्रॉप कैसे हुआ, अब समझो एक्सपोर्ट कितना था 9. इधर देखो बच्चा, एक्सपोर्ट कितना था $9.8 देखो, इंपोर्ट कितने का था 10। अब 10 माइनस 9.8 करोगे तो कितना आएगा, 0.2। बट ये ठीक इसका उल्टा होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 9.2 माइनस, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस 0.2 आएगा, तो माइनस 0.2 क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, नुकसान चल रहा है, मोटा मोटी नुकसान चल रहा है। बट टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रीज को डेवलप होने के लिए और चीजों के लिए एक लेवल बना रहना चाहिए सीएडी का भी। तो मतलब फॉर एन इकोनॉमी इट इज बेटर टू बी अ बिगर एक्सपोर्टर एज कंपेयर टू बीइंग एन इंपोर्टर। यू कैन से फॉर एग्जांपल चाइना, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, व्हाई चाइना इज सच अ बिग इकोनॉमिक पावर नाउ, बिकॉज इट्स एक्सपोर्ट्स आर मच हायर देन इट्स इंपोर्ट्स। क्लियर, आगे बढ़े।